अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड इमर्जिंग इश्यूज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तुर्की के ड्रामे जब जब ऑन एयर होते हैं तब तब पाकिस्तानी ड्रामों की बातें लोगों की जबान पर कुछ कम हो जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर तरफ किसी ड्रामे की चर्चा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल। जी हाँ, इस ड्रामे ने लोगों को अपने शहर में ले लिया है। जहाँ इस ड्रामे पर फतवे लगे हैं वहीं आवाम ने इस ड्रामे का दिफा खूब डट कर किया है। आखिर ये ड्रामा मुसलमानों की बेहतरीन और पुरअसर तारीख पर मबनी है जिसे लोग ना सिर्फ सुनना बल्कि देखना चाहते थे, और तुर्की ने लोगों की इस ख्वाहिश को खूब बेहतरीन अंदाज से पूरा किया है। अब बात करते हैं उस किरदार को निभाने वाले की जिसने आजकल सबके दिलों पर कब्जा किया हुआ है। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अर्तुगरुल की। इस किरदार को अदा कर रहे हैं टर्किश एक्टर एंजिन एल्टन डूजियाटन। दोस्तों, एंजिन तुर्की के शहर अजमीर में 26 जुलाई 1979 को पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से एक्टिंग का शौक था और अपने हाई स्कूल के ज़माने से ही उन्होंने एक्टिंग का आगाज़ कर दिया था। उन्होंने थिएटर की तालीम डोकुस एलल यूनिवर्सिटी से हासिल की, जिसे मुकम्मल करने के बाद वो इस्तांबुल शिफ्ट हो गए और वहाँ से उन्होंने बाकायदा एक्टिंग का आगाज़ किया। दोस्तों, एंजिन डूजियाटन 1997 से शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपना डेब्यू रुखसर टीवी सीरीज से किया और उसके बाद 2001 से लेकर 2019 तक तकरीबन 28 ड्रामे और तकरीबन 19 फिल्में कर चुके हैं, जिसमें से 3 फिल्मों में उन्होंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया है। ये फिल्में दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखती थी जिन्हें तुर्की में टर्किश जबान में डब करके ऑन एयर किया गया। इनमें से एक फिल्म का नाम बिलाल था जो कि एक अरबी मूवी थी। ये मूवी बिलाल हबशी की ज़िंदगी पर बनाई गई थी। दोस्तों, साल 2014 एल्टन की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित हुआ क्योंकि अर्तुगरुल का पहला सीज़न इसी साल बना और इनकी शादी भी नैसा अलकोकर से इसी साल हुई और एल्टन तभी से अर्तुगरुल का हिस्सा है। दोस्तों, एल्टन की असल ज़िंदगी में इनके 2 बच्चे हैं और इनकी प्रॉपर्टी की टोटल नेटवर्थ इस वक्त तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस ड्रामे के हर कैरेक्टर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।